जिले के सभी बार एसोसिएशनों ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। मुख्य मांगों में देश के सभी बार एसोसिएशनों, चाहे जिले से हो, तहसील, हाई कोर्ट या कमिश्नरी के हों, एक अच्छी बिल्डिंग जिसमें अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था हो, उसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, इंटरनेट की फैसिलिटी, टॉयलेट आदि की व्यवस्था हो और महिला अधिवक्ताओं के लिए उस बिल्डिंग में अलग से सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा, अभी तो ये अगड़ा ही है, आगे आई है, ये अगड़ा ही है, आगे लेकिन 4.5 वर्ष मोदी का यहाँ के माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार सुन के पूर्व अध्यक्ष रामाजय त्रिपाठी जी ने अधिवक्ता कल्याण की लाख पहली बार गोरखपुर ऐसी मांगे पूरी हो, मांगे पूरी हो। डीएम छोड़ दिया हम लोगों को, डीएम ने छुट्टी पर है, आइए हमारी मांगे ये है कि अधिवक्ता समाज आज तक देश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा, देश का संविधान बनाया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। आज जब भारत सरकार अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मोदी सरकार कह रहे हैं कि हम 6वां नंबर पर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गए, तो हम लोगों ने अपनी मांगे उठाई, इसलिए कि हम लोग हमेशा जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ते रहे, अपने लिए कभी लड़ाई नहीं लड़े। ये पहली बार है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल ने, बार काउंसिल ऑफ यूपी ने या ऑल स्टेट के बार काउंसिल ऑफ यूपी ने ये अपनी मांगे उठाई है और आज ऑल इंडिया बेसिस पर पूरे देश में सारे अधिवक्ता सड़क पर उतर आए हैं। उसका कारण है कि ये सरकार अपने बजट में अधिवक्ताओं को एक पैसे का भी फंड नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड का जब खुलासा किया उसमें भी अधिवक्ताओं को कुछ नहीं दिया। हमारी मांगे 1 मार्च 2014 को जब प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो अधिवक्ताओं के गुजरात में एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम अधिवक्ताओं के कल्याणकारी हितों को लागू करेंगे, जय ही मैं प्रधानमंत्री हुआ। लेकिन आज 4.5 साल हो गया और एक भी मांग नहीं पूरा। हमारी मांगे हैं कि हर स्टेट के जिले में, तहसील में, आरटीओ में, कमिश्नर्स कोर्ट में, सेल टैक्स में एक अच्छी बिल्डिंग बनाया जाए, तहसील में एक अच्छी बिल्डिंग बनाया जाए, जो लाइब्रेरी जिसमें हो, ई लाइब्रेरी हो, नेट से वो बिल्कुल लैस हो, और अधिवक्ता जो महिला अधिवक्ता है उनके लिए अलग से बिल्डिंग बनाई जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जो हमारे वहाँ अधिवक्ता सक्षम हो गए हैं, कचहरी नहीं आ रहे हैं, उनको पेंशन की व्यवस्था किया जाए, 50,000 रुपया महीना। हमारे अधिवक्ताओं के जो बीमा हो वो 20 लाख रुपया की बीमा कराया जाए। दूसरा, जो हमारे वहाँ नए अधिवक्ता आते हैं और सोचते हैं कि माँ बाप पैसा देंगे और वो बेचारे सड़क पर घूमते रहते हैं, 5 वर्ष तक वो इधर से उधर टहलते रहते हैं, उन अधिवक्ताओं को 10,000 रुपया स्टाइपेंड दे। तीसरा, अभी तेलंगाना सरकार 100 करोड़ रुपया रिलीज की है, केवल 25,000 अधिवक्ता है। अभी हरियाणा सरकार जमीन लेकर के अधिवक्ताओं को कॉलोनियां बना रही है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक पैसा भी कोई मदद गवर्नमेंट अधिवक्ताओं को नहीं कर रही है। हम लोगों ने कहा कि एक कॉलोनी बनाया जाए जिसमें अधिवक्ताओं को चीप से चीप रेट में जमीन दिया जाए। दूसरा, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है या जो भी फोरम है उसमें अधिवक्ताओं को भी रखा जाए, केवल जजेज और मजिस्ट्रेट को ना रखा जाए, उसमें जो योग्य अधिवक्ता है उनको भी रखा जाए।
क्योंकि हम अधिवक्ता जो गिराते हुए भी हम 60-70-75 के बाद जो खत्म हो जाते हैं वो उनको रखा जाए, उनकी बुलाया जाए। दूसरा, जो स्टेट लेवल के जिले हैं उन जिले से भी हमारे अधिवक्ता को हाईकोर्ट में रखा जाए। ये सारी मांगे हम लोग करके जो आप लोगों को हमने दिया है वो मांग है कि हम लोगों की मांगे पूरी हो। एडवोकेट अजिता पांडे, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। मेरी सारी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, वो भी अपना एक न्यायालय में स्थान चाहती हैं। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ और मुख्यमंत्री जी से कि हमारी भी मांगों को पूरी की जाए। अधिवक्ताओं के प्रति स्वतंत्रता के बाद से सभी सरकारें जो हैं संवेदनहीन रही। किसी सरकार ने अधिवक्ता हित की कभी कोई बात नहीं किया। अधिवक्ता एकता, आज अब यह सरकार गिरा दिया जाएगा। आज आज वक्त है जब हम इस सरकार पर दबाव बनाकर कुछ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जैसे आप आदरणीय कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी ने बताया कि अरे भाई सुन, कल हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। हमने बजट नहीं देखा है, सच्चाई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग अधिवक्ता कल्याण निधि, अपने नौजवान साथियों के लिए स्टाइपेंड, महिलाओं के लिए अलग कॉमन हॉल और वृद्धों के लिए पेंशन चाहते हैं, तो वो चुप थे। इसका मतलब उस 1,000 करोड़ रुपए में ये मांगे नहीं मानी जाए। कोई मांग नहीं किया है, बजट में कोई मांग नहीं किया है। बहुत साफ बोला सरकार, उनको आगाह करना चाहते हैं कि मार्च में अब बच्चों जैसा मार्च तक जब चुनाव आचार संहिता लागू होने जा रही है उसके पहले आदरणीय योगी जी इस बात की घोषणा करें कि वे अधिवक्ता कल्याण निधि उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे और नौजवानों को स्टाइपेंड देंगे, महिलाओं के लिए अलग बनाएंगे, तब जा करके हम लोग उनके साथ रहेंगे। माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अधिवक्ता आजादी की लड़ाई से लेकर के समाज के विभिन्न पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ता है वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़क पर उतरा हुआ है। हमने मांग नहीं मांगा, आपने मांग देने का वादा किया था। 1 मार्च 2014 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गांधीनगर गुजरात में यह वादा किया था कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है और उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम जो है अवगत कराते हैं कि यदि जो है अधिवक्ता कल्याण के लिए बजट में अभी तो जो है अंतरिम बजट पेश हुआ है, फाइनल बजट में जैसा कि जो है साई जी ने कहा कि फाइनल बजट में यदि अधिवक्ता कल्याण के लिए 5,000 करोड़ रुपए के प्रावधान नहीं किए जाते या उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि जो है अधिवक्ताओं को देने के लिए कार्य नहीं करती तो वह अधिवक्ता निश्चित रूप से महिला अधिवक्ताओं ने नहीं अपने जिम्मेदारियों का पुरजोर निर्वहन किया है। हम महिला अधिवक्ताओं के संघर्षों में मानी मानी बनने के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने भी इस कठिन परिस्थितियों में हम लोगों का साथ देने का कार्य और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का कार्य किया है।